हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज़ के मरीज आलू कितना खा सकते हैं। और मार्केट में कई तरह के आलू आते हैं, किसी किसी आलू से शुगर कम बढ़ता है, उसे बोलते हैं लो शुगर पोटैटो या बोलते हैं शुगर फ्री पोटैटो। प्लस आलू कैसे खाएं कि शुगर ज़्यादा ना बढ़े। तो सबसे पहले बता दें कि आलू जो होती है, एक आलू बता रहा दिखा रहा हूँ, ये आलू है, मीडियम साइज का आलू है, ये 100 ग्राम का होता है करीब अंदाजन। ये छोटा आलू है, ये 50 ग्राम का है, ठीक है। तो अगर इस आलू के बारे में बात करें तो 100 ग्राम आलू के अंदर करीब 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। और आपको दिखाऊं इसको मैं, तो इसमें 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलोरी होती करीब 80 कैलोरी होती है, फैट बहुत न के बराबर होता है, और फाइबर होता है 2 ग्राम, और वाटर होता है करीब 77%। तो सब्जियों के अंदर पानी बहुत होता है। तो ये 100 ग्राम जो आलू है इसके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मैंने आप दिखाऊंगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस खाने से कितना शुगर बढ़ता है। तो 100 ग्राम आलू से इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब कि 100 ग्राम ग्लूकोज से मान लो शुगर बढ़ता 100 माना जाए, तो आलू से शुगर बढ़ता है करीब 70 से 80 के आसपास। और इसको तुलना हम चावल और रोटी से करें तो चावल से शुगर बढ़ता करीब 72-73 और रोटी से बढ़ता 70 के आसपास। तो आलू से शुगर चावल और रोटी के बराबर ही बढ़ता है। पर जैसे बोला मैंने कि अगर आप एक दो दिन पहले वीडियो डाला मैंने आपको राइस के बारे में, तो राइस के 25 ग्राम में करीब 19 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि आटा के 25 ग्राम में करीब होता है 18 ग्राम के आसपास, 18-18.5 ग्राम। तो आलू का 100 ग्राम से अंदाजन उतने शुगर बढ़ेगा जितना कि 25 ग्राम कच्चे चावल को पका करके बनाया जाए या 25 ग्राम आटा की रोटी बनाई जाए जो कि करीब 6 इंच की पतली रोटी बनेगी। तो शुगर पॉइंट ऑफ से 100 ग्राम आलू इक्वल होता है 25 ग्राम आटे की रोटी, छोटी रोटी बराबर, या 25 ग्राम कच्चे चावल के बराबर होता है। तो सवाल ये कि बड़ा डायबिटीज में मिथ है कि आलू नहीं खाना है, ऐसा क्यों? तो क्या होता है कि आलू का जो कार्बोहाइड्रेट होता है जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसे शुगर राइज का सब्जियों के अंदर आलू, अरबी, शकरकंदी और जिमीकंद और हरे मटर, 5 सब्जियां ऐसी होती हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के आसपास होता है, मतलब कि चावल रोटी का इक्विवेलेंट होता है। तो इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसे शुगर जल्दी बढ़ाता है। तो डायबिटीज के मरीज अगर चाहेंगे तो उनको पर डे करीब आधा आलू सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, इतना उनको अलाउड है, मतलब कि 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम दोपहर, 50 ग्राम शाम, ये पूरा अगर 150 ग्राम आलू हो गया आपको। और जैसा बोला कि 100 ग्राम आलू इक्वलेंट एक रोटी के, तो अगर आप डेढ़ रोटी खा रहे हैं तो डेढ़ रोटी, मतलब कि 150 ग्राम आलू में आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट करीब अराउंड 18, अराउंड 27 ग्राम। तो आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि डायबिटीज के मरीजों को पूरे कैलोरी का मैक्सिमम आपको 50% कार्बोहाइड्रेट खाना है आपको। अगर जो डेली सर्विस वाले जो लोग हैं हमारे जो सर्विस करते हैं, या जब मैं ही खुद डॉक्टर हूँ, सर्विस करता हूँ मैं, जॉब अपना प्रैक्टिस करता हूँ मैं, तो हम लोग डेली करीब 1 घंटे वॉक करते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हमारे जैसे लोग को पर डे करीब 1800 कैलोरी आपको अलाउड होता है। मेरा वेट करीब 70 किलो है, तो अराउंड 1800 से 2000 कैलोरी अलाउड है। तो पर डे अगर मान लो 1800 मानूँ तो 1800 का हाफ 50% 900 कैलोरी मुझे आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। और आप जान लो कि कार्बोहाइड्रेट का
एक ग्राम जो है 4 कैलोरी देता है। तो अगर 900 कैलोरी मुझे कार्बोहाइड्रेट लेना है मुझे, तो मैक्सिमम अगर 900 को 4 से डिवाइड कर दो तो करीब आएगा 225 ग्राम। तो पर डे मैक्सिमम 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मुझे अलाउड है। फिर समझिए, हमारे जैसे एक्टिव लोगों के लिए, जितना मीडियम एक्टिविटी हमारी है, अराउंड 225 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे मुझे अलाउड है। तो अगर मैं आलू खाना चाहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इस आलू में से मेरे 225 ग्राम में से 27 ग्राम हमारे आलू से आ गए, बाकी बचे 200 ग्राम। तो 200 ग्राम में इसको डिवाइड करेंगे हम लोग। कार्बोहाइड्रेट डिवाइड कैसे करना चाहिए, करीब नाश्ते में लेना चाहिए आपको 30-45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, लंच में लेना चाहिए आपको 45-60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, डिनर में 45-60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो अगर इसको डिवाइड कर लो आप, तो 60 60 प्लस 30 कितना हो गया 150, बचा आपको करीब, और बचे आपको 60 60 प्लस 30 150, बचा आपको 75। ये 75 लेंगे आप स्नैक के रूप में, 3 स्नैक लेना आपको नाश्ते के 2.5 घंटे बाद, करीब अराउंड 15 से 25 ग्राम के आसपास, लंच में 15 से 25 ग्राम और सोते समय 15 से 25 ग्राम। तो टोटल 6 खाना खाना डाइट लेना आपको, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, देन मिड मॉर्निंग स्नैक, इवनिंग स्नैक एंड बेड टाइम स्नैक, 3 स्नैक लेना आपको। तो अब सवाल की जो आलू और बात करें, आलू कई तरह आते हैं। एक आपने आपको बता दो, एक आता लो शुगर पोटैटो। तो क्या होता है कि गुजरात में और इंदौर के मालवा रीजन में एक स्पेशल आलू की वैरायटी लोग पैदा करते हैं, जिसका बीज उन्होंने हॉलैंड से इंपोर्ट किया उन्होंने। इस आलू की खासियत क्या होती है कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसे इसलिए क्या होता है, इवन खाने के बाद भी शुगर देर से रिलीज होता है, तो शुगर राइज कम होता है। तो ऐसे लोगों को ऐसे आलू बोलते हैं शुगर, लो शुगर पोटैटो। कुछ लोग शुगर फ्री पोटैटो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुगर राइज स्लो होता है, कार्बोहाइड्रेट उतना ही होता है, 100 ग्राम में 18-19 ग्राम, लेकिन वो एब्जॉर्ब स्लो होता है, डाइजेस्ट स्लो होता है, इसलिए उसका शुगर राइज भी स्लो होता है। अब इसी आलू को कुकिंग किस तरह कर रहे हैं, उससे भी शुगर राइज डिपेंड करता है। अगर इस आलू को बेक करेंगे, जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना इजीली डाइजेस्ट होगा, उतना जल्दी उतना ज़्यादा शुगर बढ़ेगा। तो जितना इसको कुकिंग ज़्यादा होगी, जितना सॉफ्ट हो जाएगा, जितना मुलायम हो जाएगा कुकिंग के बाद, उतना ही ज़्यादा शुगर जल्दी रिलीज करेगा। तो स्टडी देखा है कि जो बेक पोटैटो होता है, लाइक माइक्रोवेव बेक कर लो या आग पर बेक कर लो, तो बेक करने से इसका कार्बोहाइड्रेट इजीली रिलीज होता है। और इसको सब्जी में पका दोगे अलॉन्ग विद द ग्रीन वेजिटेबल, थोड़ा ऑयल डाल के, तो जब और छिलके से खाओगे तो फाइबर, छिलके बहुत फाइबर होता है, एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो देखा गया, जैसे इसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला कि अगर बेक पोटैटो होगा, माइक्रोवेव बेक करोगे या आग बेक करो खाली, इसको भूनोगे, तो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 हो जाता है। मतलब कि 100 ग्लूकोज अगर राइज करता है, 100 ग्राम ग्लूकोज 100 राइज करता है, तो इससे 80 राइज करेगा, मतलब चावल रोटी तुलना में ज़्यादा शुगर बढ़ेगा इससे, और खाली बेक रहेगा। तो इसी को सब्जी में पका देंगे आप, तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स घट के करीब 60 का पाया जाता है, मतलब चावल रोटी से कम शुगर बढ़ाएगा। अगर इसी को थोड़ा आप प्रोटीन के साथ खाएंगे, मैंने पनीर जोड़ दिया, चना जोड़ दिया, है ना, सलाद जोड़ दिया आपने, तो और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। जब कई वीडियो में बताया मैंने कि अगर किसी खाने को उसे प्रोटीन जोड़ दो, तो प्रोटीन क्या होता है कि खाने के एब्जॉर्प्शन स्लो कर देता है, तो उसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी शुगर राइज स्लो होगा। अगर फाइबर बढ़ा दो, सलाद बढ़ा दो, हरी सब्जियां बढ़ा दो, तो भी उसका ग्लूकोज का फाइबर लिपट करके ग्लूकोज रिलीज स्लो कर देगा, तो आपका शुगर राइज स्लो होगा। अगर इसको थोड़ा सा आप ऑयल भी मान रहेगा, ऑयल सब्जी बनाते हो इसकी पोटैटो की, तो ऑयल भी क्या होता है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लो कर देता है, ग्लूकोज रिलीज स्लो कर देता है, और ऑयली फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स घट जाता है, शुगर राइज घट जाता है। तो अगर आलू खा रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ये 50 ग्राम आलू है, देखिए और छोटा 50 ग्राम आलू है, इतना आप एक दिनों तीनों टाइम खा सकते हैं आप। लेकिन जब भी आप आलू खाएंगे, ध्यान रखेंगे आप कि आप मिक्स करके खाएंगे, आलू हरी सब्जी, आलू विथ प्रोटीन, प्रोटीन देखिए
न्यूट्रिला, पनीर, दाल के साथ खाएंगे, खूब सा सलाद, खूब सा सब्जी लेंगे, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। और एक और जान लें कि आलू जितना नया होता है, नया आलू होता है, उसका स्टार्च कार्बोहाइड्रेट उतना कॉम्पैक्ट होता है, उतना ही वो स्लोली रिलीज करता है, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन स्लो होता है, तो उसमें ग्लूकोज राइज कम होता है। जितना आलू पुराना होता जाता है, जितना आलू सॉफ्ट होता जाता है, उसका कार्बोहाइड्रेट उतना ईजिली डाइजेस्टिबल हो जाता है और खाने के बाद ग्लूकोज उतना जल्दी रिलीज होता है और शुगर ज़्यादा बढ़ता है। जब आलू बहुत पुराना हो जाता है तो देखा गया कि कार्बोहाइड्रेट जब उसके अंदर थोड़ा ना अंकुरित हो जाते हैं, साइड अंकुरित हो जाते हैं ना, तो इसके अंदर करीब फ्री शुगर भी, ग्लूकोज मात्रा भी, कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी ग्लूकोज इसके अंदर रिलीज हो जाता है 3-5%, तो उनका शुगर ज़्यादा रह जाता है। अगर इसमें अंकुरित होने लगे, जब पुराना आलू हो जाता है, जो मीठा आलू होने लगता है, तो उसमें शुगर बढ़ने का चांस ज़्यादा होता है। तो जो शुगर फ्री आलू बनता है गुजरात में और मालवा रीजन में, वो लोग क्या है, एक तो स्पेशल बीज लिए लाए हॉलैंड से, जिसका शुगर ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, प्लस वो पैदावार होने के बाद इसको वो लोग स्पेशल कोल्ड स्टोरेज में, स्पेशल टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, सो दैट इसे अंकुरित होने चांसेस घट जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रिलीज घट जाता है। तो डायबिटीज के मरीज आलू का मात्रा औरत के जैसे भी खा सकते हैं, बशर्ते अपने डाइट में वो लोग फाइबर ज़्यादा लें, हरी सब्जी ज़्यादा लें, प्रोटीन भी मिक्सअप कर लें। तो जब प्रोटीन, सलाद, फाइबर सब मिक्सअप हो जाएगा अलॉन्ग विद ऑयल, और कोशिश करें छिलके साथ खाएं, इसको बढ़िया धो करके और छिलके साथ खाएंगे तो शुगर रिलीज और स्लो होगा। तो ऐसा करने से आपको शुगर राइज कम होगा। आप याद करिए, आज से करीब 30-40 साल पहले अधिकांश सब्जी बिना छील के बना करती थी, तो जितना डाइट में फाइबर होगा उससे उतना शुगर रिलीज कम होगा। तो आप सब जान लो, आप आलू खा सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। मैं जैसे बोला कि 100 ग्राम आलू उतना शुगर बढ़ता है जितना 25 ग्राम चावल या एक 25 ग्राम की एक रोटी से बनता है, बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि टैबू है, आप हर चीज़ सही मात्रा में खाओ, बट ध्यान रखो कैसे खाना है, कब खाना है। इस तरह से आप शुगर कंट्रोल करके एक हेल्दी स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट फ्यूचर में आपको अच्छे नए नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।